अच्छा है एंड आई होप गाइस आप पूरी कोशिश करेगा फिट एंड हेल्दी रहने के लिए। सो आज जो वीडियो हम लोग करने वाले हैं, मतलब आज जिस टॉपिक पर हम लोग करने वाले हैं वीडियो, वो है वार्म अप। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि वार्म अप के ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा। सो मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ वार्म अप। जब भी हम लोग एक्सरसाइज या वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, सो उसके पहले वार्म अप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से लोग होते हैं वार्म अप नहीं करते, या फिर करते भी तो लाइक ऐसे किया, थोड़ा ऐसा किया और फिर चले जाते हैं, मेन से स्टार्ट कर लेते हैं। सो इससे क्या होता है कि वो लोग को ड्यूरिंग एक्सरसाइज या फिर बहुत ही इंजरी होने का बहुत चांसेस ज़्यादा हो जाता है, बहुत से लोग इंजरी के शिकार हो भी जाते हैं। सो ऐसे इंजरी प्रिवेंट, इंजरी से दूर रहे, इंजरी ना हो आपको, इसलिए वार्म अप करना चाहिए। और वार्म अप कैसे करना है, क्या क्या करना है वार्म अप में, सो पूरा आज हम लोग कवर करने वाले हैं वार्म अप में। सो बने रहिए वीडियो के एंड तक। सो अब चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा वार्म अप। चलिए वार्म अप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शोल्डर जॉइंट्स को फ्री करेंगे कुछ इस तरीके से, एल्बो को रोटेट करेंगे, शोल्डर जॉइंट्स को फ्री करेंगे ऐसे क्लॉकवाइज पूरा राउंड एंड 10 राउंड हम लोग एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ओके, सो एल्बो को क्लोज लाइए एंड ऐसे वाइड लेके जाइए। सो वार्म अप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा हाथ जब भी हम लोग अपर बॉडी करते हैं तो शोल्डर जॉइंट्स तो यूज़ होता ही होता है, एंड उसके साथ साथ रिस्ट जॉइंट्स भी। तो रिस्ट को भी कुछ इस तरीके से ही फ्री करेंगे। ओके, सो रोटेट करना है क्लॉकवाइज एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज। तो जो शोल्डर जॉइंट्स हुआ एंड जो हमारा रिस्ट जॉइंट हुआ, ये हमारे अपर बॉडी का आप कोई भी पार्ट कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो यूज़ होता ही होता है। सो इंजरी ना हो शोल्डर या रिस्ट में, इसके लिए हम शोल्डर जॉइंट्स और रिस्ट जॉइंट्स को फ्री कर लेंगे। एंड उसके बाद जो हमारा जो ट्रैप्स हो गया, जो कॉलर बोन जिसको आप बोलते हो, तो जो हमारा ट्रैप्स हो गया उसको फ्री करेंगे। जब भी हम चेस्ट करते हैं, शोल्डर करें, बैक करें, तो ये सारे जो मसल्स हैं, ये सारे जो जॉइंट्स हैं, ये यूज़ होते हैं। तो आपको ड्यूरिंग एक्सरसाइज कोई भी इंजरी ना हो, और जो भी आप एक्सरसाइज लगा रहे हो वो प्रॉपर अच्छे तरीके से जाए, इसी वजह से हम वार्म अप करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से सारे जॉइंट्स को रोटेट कर लेंगे, मसल फ्री कर लेंगे, ताकि ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो शोल्डर हो गया, रिस्ट हो गया, अब बैक, जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है। बहुत से लोगों को लोअर बैक का इश्यू होता है, पेन वेन, बिकॉज वो लोग वार्म अप नहीं करते हैं इस वजह से। सो हम लोग वार्म अप कुछ इस तरीके से लोअर बैक को फ्री करेंगे। ओके, सो गो डाउन, टच द ग्राउंड कुछ इस तरीके से एंड हाइपर एक्सटेंशन थोड़ा सा। ओके, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा ही, 10 रेपिटेशंस करेंगे। एंड जब भी आप अप जा रहे हो कुछ इस तरीके से ब्रीद आउट। ओके, ब्रीदिंग हमेशा ही कंटिन्यू रखना है। एंड अभी साइड टो टच कुछ इस तरीके से, ऑल्टरनेट टो को टच करेंगे। सो इससे क्या होगा, इससे आपका लोअर बैक है वो फ्री हो जाएगा। तो जब भी आप अपर बॉडी कर रहे हो सो आपको इंजरी नहीं होगी। ओके, जॉइंट्स की तो इंजरी बिल्कुल ही नहीं होगी। आपको न्यूट्रिशन पे खास करके ध्यान तो रखना ही रखना है। आप जब भी अपर बॉडी करेंगे तो ये सारे जॉइंट रोटेशन वार्म अप कर लेंगे। उसके बाद अब हमारा लोअर बॉडी भी फ्री कर लेंगे, लाइक एंकल जॉइंट्स हो गया है, जो एंकल जॉइंट्स में भी बहुत से लोगों को इश्यू होती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, लाइक डेडलिफ्ट करते हैं या फिर कोई भी पोस्चर ओवरहेड प्रेस करते हैं, तो एंकल जॉइंट्स पे ही हमारा बॉडी को बैलेंस करना रहता है हमारे पैर पे। सो इसीलिए पैर का भी वार्म अप कर लेना बहुत ही ज़रूरी, सारे जॉइंट्स फ्री कर लेना ज़रूरी है ताकि कोई इंजरी ना हो। हार्डली इट्स टेक 8 to 10 minutes ही लगते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं होती, हर कोई 8 to 10 minutes अपने वार्म अप के लिए निकाल ही सकता है। तो आपको ऐसे कुछ वार्म अप करना है, आपके एंकल रोटेशंस को दोनों को ही राइट एंड लेफ्ट को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10-10 हो जाने के बाद हिप जॉइंट्स को भी इस तरीके से फ्री करना है। ओके, सो नीचे ग्राउंड में टच नहीं करना है, एंड जो रेंज ऑफ मोशन रहेगा आपके फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से ऊपर तक लेके जाइए एंड नीचे तक लेके आइए। सो ऐसा साइड रेज होने के बाद फ्रंट किक की तरफ कुछ इस तरीके। सो इससे क्या होगा, इससे आपका हिप जॉइंट्स फ्री हो जाएगा। तो जब भी आप लोअर बॉडी करोगे तो आप ये सब सारे जॉइंट रोटेशन से आप अपने इंजरी को मिनिमम कर सकते हो। तो फ्रंट किक ऐसे करेंगे, फ्रंट किक हो जाने के बाद ऐसे बैक किक कुछ इस तरीके से करेंगे। सो इससे क्या, ग्लूट्स और जो हिप जॉइंट है वो हमारा अच्छी तरीके से फ्री हो जाएगा ड्यूरिंग जब भी आप स्क्वाट कर रहे हो, लेग प्रेस या कोई भी लोअर बॉडी का एक्सरसाइज करोगे, सो इंजरी नहीं हो जाएगी। सो क्या होना, लोअर बॉडी अपर बॉडी के टाइम पे भी आप ऐसे उसका जॉइंट रोटेशन कर लो, ताकि क्या, बहुत से लोगों को होता है ड्यूरिंग सेट ऐसे क्रैम्प्स फील होता है ग्लूट्स के पास, हिप्स के पास, तो आपको ऐसा कुछ होगा नहीं। लाइक बेंच प्रेस करते हो, लैट पुल डाउन करते हो कभी कभी, सो ऐसा आपको क्रैम्प फील होगा, होता होगा,
तो ऐसे सब फ्री कर लीजिए, सो वो नहीं होगा। ओके सो कुछ इस तरीके से रोटेट डाउन, ओके अप साइड में लेके जाएंगे एंड डाउन, ओके 90 डिग्री तक रेस करना है, साइड में लेके जाना है एंड डाउन, एंड मेक श्योर कि ब्रीदिंग आप ऑन ही रखें। ओके सो सारे राइट से हो जाने के बाद हमारे लेफ्ट साइड का भी उसी तरीके से अच्छे से कर लेंगे, लाइक जो हमारा साइड किक हो गया। ओके रेंज ऑफ मोशन फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से लेके जाइए एंड फोकस रखिए हिप जॉइंट पे। सो 10 काउंट ये साइड किक होगा, उसके बाद अब हमारा फ्रंट किक की तरफ आएंगे लाइक दिस। ओके फ्रंट किक ये भी हमारा 10 रेपिटेशन करेंगे एंड ब्रीदिंग ऑन ही रखना है गाइज। ओके ब्रीदिंग कोई भी होल्ड नहीं रखना है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग वार्म अप, कुछ भी ब्रीदिंग होल्ड करके नहीं करना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट आपको रखना ही रखना है। तो फ्रंट किक होने के बाद बैक किक कुछ इस तरीके से, ठीक है, एंड कीप ब्रीदिंग, फोकस ऑन योर हिप जॉइंट। सो इससे भी हमारा लेफ्ट साइड का भी लेग्स हुआ जो हिप जॉइंट्स हुआ अच्छी तरीके से फ्री हो जाएगा। तो वार्म अप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइज, प्लीज़ किया करिए। सो अब साइड का कुछ इस तरीके से लाइक दिस 90 डिग्री रेज साइड में लेके जाएंगे डाउन एंड ब्रीथ इन ब्रीथ आउट ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। सो इस तरीके से ये भी हमारा 10 रेपिटेशंस करेंगे। सो सारे जॉइंट रोटेशंस के बाद थोड़ा हार्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए लाइक कुछ इस तरीके से हम लोग जंपिंग जैक 20 रेपिटेशन और 30 रेपिटेशंस का आप ले सकते हैं। ओके हार्ट रेट को थोड़ा सा इंक्रीज करना ज़रूरी है ताकि जो बॉडी में पूरा ब्लड फ्लो अच्छी तरीके से चले जाए, हर मसल्स एक्टिव हो जाए और अच्छे से पार्टिसिपेट करे ड्यूरिंग योर वर्कआउट। ओके सो जंपिंग जैक हो जाने के बाद थोड़ा सा हाई नीस कर लेंगे। सो ये दो वेरिएशन क्या है ना, कोई भी कर सकता है, इजीली आराम से कर सकता है। सो इससे आपका हार्ट रेट थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा एंड पूरे बॉडी में अच्छा ब्लड फ्लो चला जाएगा। सो गाइज अगर आप लोग लोअर बॉडी कर रहे हो तो लोअर बॉडी का सारे जॉइंट रोटेशन तो करना ही करना है, लोअर बैक भी करना ही करना है एंड उसके बाद ऐसे एक नॉर्मल सेट स्क्वाट का लगा लेंगे ताकि क्या ना आपके जो लोअर बॉडी के मसल्स है वो अच्छे से स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्ट हो जाए अपने एंगल में। ओके सो लाइक क्वाड्स, ग्लूट्स, ये हैमस्ट्रिंग ये सब अच्छे तरीके से वार्म हो जाए तो अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपके लोअर बॉडी के एक्सरसाइज में। एंड गाइज अगर आप लोग अपर बॉडी कर रहे हो तो ये नमस्कार को उसमें एज अ वार्म अप जरूर ऐड करिए। सो इससे क्या होने वाला है कि आपका जो शोल्डर मसल्स है, ट्राइसेप, बैक, ट्रैप्स, लोअर बैक अच्छे तरीके से फ्री हो जाएगा। सो अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे ये सारे मसल्स आपके अपर बॉडी के वर्कआउट में, कम से कम इंजरी होगी। ओके आपको इंजरी बहुत ही मिनिमम हो जाएगी तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपको अच्छा ही कम्फर्टेबल एंड कॉन्ट्रैक्शन फील होगा ड्यूरिंग योर वर्कआउट। ओके सो ये नमस्कार करेंगे 15 रेपिटेशन फॉर वन सेट। सो ये नमस्कार हो जाने के बाद हम लोग पुलअप्स कर लेंगे। लाइक पुलअप से क्या होने वाला है कि आपका बाइसेप, बैक, ट्रैप्स, ओके ये सब अच्छे तरीके से वार्म हो जाएगा। सो क्या होगा कि ये आपके ड्यूरिंग पार्टिसिपेट अच्छा कर पाएगा आपके एक्सरसाइज के दौरान। ओके सो ये सबसे क्या होने वाला है कि आपको बहुत ही आपका जो इंजरी लेवल है ना गाइस बहुत ही मिनिमम हो जाएगा। एंड अगर आप लोग ये नमस्कार, पुलअप्स एंड पुशअप जो मैं आगे बताने वाला हूँ तो इससे क्या होगा आपका एक अपर बॉडी को अच्छा ही शेप मिलता हुआ भी जाएगा। ओके रोज अगर आप लोग कर रहे हो तो पुलअप्स की तो प्रैक्टिस रोज ही करना है ताकि आप पुलअप्स काउंट बढ़ा सके। एंड गाइस ये सब तीनों के ऊपर कैसे करना है एंड क्या क्या सिंपल स्टेप्स है, लाइक ये पुशअप्स के भी मैंने बहुत ही सिंपल स्टेप्स बताए हैं सबके, सो डोंट वरी अबाउट इट। मैं उन सारे वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाइए चेक करिए, सीखिए एंड कीप प्रैक्टिस करिए। ओके सो कुछ पुशअप्स भी हम लोग कर लेंगे। सो जब हम लोग नमस्कार, पुलअप्स और पुशअप्स किया इसके वजह से हम लोग का अपर बॉडी का मसल अच्छी तरीके से वार्म हो जाएगा। ओके सो डन विथ वार्म अप, तो कुछ इस तरीके से हम लोग वार्म अप करेंगे। वार्म अप जैसे मैंने बताया कि बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि आपको इंजरी ना हो। सो जैसे मैंने बताया ऐसे 10 टू 15 की रेपिटेशन, चाहे वो जॉइंट रोटेशन हो या हाइट इंक्रीज करने के लिए हो या कोई सेट हो, सो उस तरीके से जैसे मैंने बनाया उसी तरीके से करेंगे। बाय द वे जो भी इस वीडियो के रिलेटेड जो भी वीडियो है वो सारे वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो जाइए चेक करिए, सीखिए एंड आइए वार्म अप अच्छे से करिए, बिकॉज हम लोग बॉडी बनाने आए हैं हेल्थ रहे, हेल्थ को अच्छा सुधार करने आए हैं ना कि इंजरी करने आए हैं। ओके सो इंजरी प्रिवेंट रहेंगे, इंजरी के शिकार नहीं होना है और वार्म अप ताकि अच्छे से हो जाए ताकि जो ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो हमारा जो वो फील का कॉन्ट्रैक्शन है, ब्लड फ्लो है वो अच्छे से हो जाएगा तो कोई भी जॉइंट या कुछ मसल से रिलीफ कोई भी इंजरी नहीं होगी। क्या होगा मसल से रिलीफ
कर लेंगे ताकि आपको कोई भी इंजरी ना हो, या लाइक जॉइंट का हो गया या मसल्स की कोई भी इंजरी ना हो, अच्छे से वार्म अप करेंगे एंड उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आप लोग. ओके एंड सो दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. एंड जो भी रिलेटेड है उसका तो नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चेक करिए एंड प्लीज यार लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ. तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर.